भरतैकदेशे मुनोर्यप्रदेशे बौद्धावतारे नासिक दण्डकारण्ये नासिक मुंबय्यामुपनगरे लोढ़ापलावा नामक अस्मिन् स्थाने कासाबेला गोल्ड नामक स्थाने वर्टिकाडी नामक अट्टालिका मध्यात दशम अट्टालिकोपरि सहस्त्र संख्याक एक संख्या अधिकम निवास क्रमांके स्वगृहे वर्तमाने राक्षस नाम संवत्सरे श्री सूर्य रक्षिणायने महामांगल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे शुभे मासे श्रावण मासे कृष्णे पक्षे द्वादश्यां तिथौ मृगशिरा नक्षत्रे तृतीय चरणे ध्रुव योगे तैतुल करणे सोमवासरान्वितायां तथा च कर्कराशि स्थिते सूर्ये मिथुन राशि स्थिते चंद्रे जन्मस्य भाग्यस्थान स्थित चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु षट्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त भेदोक्त फल प्राप्ति कामः मीन राशि स्थिते देव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु षट्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त भेदोक्त फल प्राप्ति कामः अपना गोत्र लेंगे अपना नाम लेंगे बोलेंगे नाम आहम नाम आहम पत्नी का नाम ले बोलेंगे नामनी मम भार्या सहितः वयम् अद्याहम् श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः मम सपुत्र स्त्री परिवार बांधवस्य कल्याणार्थं ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकं नैरुज्य दीर्घ आयुः पुष्टि धन धान्य समृद्धि अर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्वथा यशो विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम तथा च मम मनः कामना परिपूर्णार्थम अस्मिन् जीर्ण गृहे वास्तु शांति कर्म करणार्थम गृहे अष्ट सल्यादि दोष परिहार अर्थम गृहे अग्नि भय चौर भय सर्प भय यान पातनादि दुःसंग जनित भय दूरी करणार्थम तथा च अस्मिन् गृहे सर्वदा सुख संपत्ति ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् गृहे आधि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु रोग विकार समनार्थम् तथा च मम गृहे परमंत्र परयंत्र परतंत्रादि भय दूरी करणार्थम् अद्याहम यथाविधि पंचब्राह्मणं सहायेन यथाविधि जप पूर्वक वास्तु शांति कर्म अहम् करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्धि अर्थम् गणेश गौरी पृथ्वी वरुण कलश तथा च मातृका देवता चतुःकष्टी योगिनी देवता सप्तघृत मातृका देवता सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता असंख्यात रुद्र मंडल देवता
वरुण कलसार्चनम अहम यथाविधि करिष्ये तत्रादौ दक्षिण दिशि कालभैरव उत्तर दिशि हनुमत देवता शंख घंटार्चनम दिग्रक्षणम दीप पूजनम कर्म पात्र पूजनादि कर्म अहम ब्राह्मण वर्णादि वस्त्र दानादि कर्म अहम् स्वेच्छानुसारम् अहम् करिष्ये अनन्तरम् हवनादि आरती पूर्णाहुति ब्राह्मण भोजनादि कर्म अहम् कारयिष्ये। और भी आपके मन में जो भी कामना हो आंख बंद करके भगवान को अपनी कामना बोलेंगे आप। ओ यम यम चिंतयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितां परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जाति इति संकल्पः सिद्धिः अर्थं अद्याहं वास्तुशान्ति पूजनं करिष्ये। छोड़ दीजिए महाराज लीजिए और वास्तु वेदी पर समर्पित कीजिए। बोल वास्तु पुरुष भगवान की संकल्प सिद्धि जाग्रत दूर मुदय दिदैवं तदु सदस्य तदैवै दीरूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। बोल गणपति गजानन महाराज की दक्षिणे काल भैरवस्य ध्यानम्
साथ में उत्तर दिशा में हनुमान जी का पूजा करना है हमें। क्यों करना है आपको पहले से मालूम है, ठीक। ओ हनुमान जी महाराज क्या प्रार्थना करना है, प्रार्थना है यही, मेरे हनुमान जी मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। और मांगना क्या है, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, मन भजन में लगे ए सवर दीजिए। भगवान से क्या मांगना है कि महाराज कर्ज भी ना रहे और मर्ज भी ना रहे, मन किसी में लग जाए आपके भजन में, आज के दिन आपकी सेवा में मन लग जाए, बस यही कामना करता हूँ भगवान। और बाकी क्या मांगना है, उस दिन पंडित जी ने आपको बताया था, याद है ना, तो वो भी बोलना भगवान की हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए। बोलो हनुमान जी महाराज की हो, विष्णु का, दूसरा भगवान शंकर का। इन दोनों में से किसी भी एक का स्थान अगर आपने हटाया तो पूजा परिपूर्ण होना नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी के तीन मुख्य देवता हम लोग जानते हैं, कौन कौन से, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का काम क्या है, सृष्टि करना, हमें इस संसार में लाना, उस संसार की रचना करना, ये काम ब्रह्मदेव का है। भगवान विष्णु क्या करते हैं, उस सृष्टि का पालन करते हैं। तो रचना हो गई, हम आ गए तो हमें पालन की आवश्यकता है, इसलिए भगवान विष्णु की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो भगवान विष्णु जहां पर भी आते हैं तो उनका एक वाहन है, कौन है, गरुड़देव। बगैर अपने वाहन के वो नहीं चल सकते, तो इसलिए पहले उनको आने के लिए उनके वाहन की पूजा हमें करनी होगी। तो वाहन कहाँ पर है उनका, गरुड़, जो हम लोग घंटी का पूजा करते हैं तो उसी घंटी में गरुड़ देव का वाहन
स्थान होता है गरुड़ देव का, तो उसी घंटी में भगवान गरुड़ देव का आप लोग आवाहन करेंगे कि प्रभु आप आ जाइए और भगवान नारायण को लेकर के आइए। ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु राजसां गणितानां कुर्वीता शंख को नमस्कार कर लेंगे। देखिए गरुड़ जी का पूजा करने से क्या होता है, हमने भगवान को बुलाने के लिए ही पूजा किया ना, तो आगमार्थम तो देवाना, और जहां पर नारायण पहुंचेंगे वहां पर कोई राक्षस रहेगा क्या? नहीं। तो गमनार्थम तो राक्षसाम, वो राक्षसों का वहां से पलायन हो जाता है, इसीलिए घंटी का पूजा करना चाहिए। और विशेष ध्यान रहे, ये छोटी छोटी गलतियां हम लोगों से होती रहती हैं, घंटी हो गई या बगैर आसन के ब्राह्मण हो गया, ये लोग कभी भी पृथ्वी पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर ये पृथ्वी पर रखे गए तो पृथ्वी इनका भार सहन नहीं कर पाती। बगैर आसन के अगर ये हैं तो पृथ्वी इनका भार सहन नहीं कर पाती, और जब ऐसा बहुत परिमाण में होने लगता है कि ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ के बगैर आसन पर बैठने लगे, तो ऐसे समय पर भूकंप ज्वालामुखी इत्यादि पृथ्वी पर अपने आप आने लगते हैं। तो ये उनसे रक्षा के लिए और दरिद्रता का सूचक है। आपके घर में ब्राह्मण आए अगर जमीन पर बैठ जावे तो वो दरिद्रता का सूचक है कि जल्द ही आपके घर में दरिद्रता आने वाली है। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, पूजन में भी घर में भी। जल्दी जल्दी में हम लोग घंटी बजाकर जमीन में रख देते हैं या बालकों के हाथ में, तो ऐसे समय पर इनको आसन जरूर दें, कुछ ना हो तो चावल रख दें उसके ऊपर आसन दे दें। अब भगवान के शंख का हमें पूजन करना है। शंख का पूजा से भी क्या होता है कि भगवान विष्णु के मुख से जो शंख की ध्वनि निकलती है, उस शंख ध्वनि से दानव दर्पहंता, दानवों का जो गर्व है उसके केवल शब्द की ध्वनि से ही चूर हो जाता है कि अब तो नारायण का शंख ध्वनि हो चुका है। तो ऐसे भगवान नारायण के शंख को आप लोग नमस्कार करेंगे। विषडो मुखो थानिल पूरी तेना यस्य ध्वनि दानव दर्पहंता कांपाच जान्या शशिकोटि शूरा शंखं सदा विष्णु का ध्यान करेंगे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे कि दसों दिशाओं से हमारी इस घर की रक्षा करें। ओम स शंख चक्रम सकरित कुंडला असुरा अपयान्तो श्वास बाहर छोड़ेंगे। विष्णु देव यजना रक्ष गोविदा विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे
पदम समूढ़वस्य पागुं सुरेश स्वाहा। नारायण भगवान की जय। मुद्रिका पहना हुआ है ना, सुवर्ण मुद्रिका है। अभी आपने फूल को आकाश में उड़ाया, क्यों उड़ाया मालूम है? इसे हम लोग कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने जाएं, आज हमारे घर में जो हो रहा है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं। आप धन की दृष्टि से नहीं, कर्म की दृष्टि से देखें, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। घर लेना और घर में प्रवेश करके उसमें रहना, ये बहुत ही भाग्य और सौभाग्य की बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कुंडली में उनके ऐसे योग बने हैं कि मकान तो उन्होंने कम से कम 10-20 बना लिए होंगे अपने जीवन कार्यकाल में, जीवन जीवित रहने पर्यंत, लेकिन एक भी अपने स्वयं के बनाए हुए मकान में रह नहीं पाते, एक भी मकान में नहीं रह पाते, भाड़े के रूम में रहना पड़ता है। उनकी पोस्टिंग जगह जगह बदलती रहती है, आज यहाँ जॉब पे हैं, कल वहां पे हैं, परसों वहां पे हैं, अपने मकान का सुख वो ले नहीं पाते। लेकिन हर मकान में अपने हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ ये बनाते तो उसी लिए ना कि रहना है, लेकिन रह नहीं पाते। तो मकान बनाना और उस मकान में रह लेना प्रवेश करके, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो ये बहुत बड़ा कर्म हम लोग करने जा रहे हैं। तो जब हम बड़ा काम करते हैं, शादी हो, विवाह हो, घर में संतान का आगमन हो, गृह प्रवेश हो, तो अगर किसी को बोलना भूल जाए हम लोग, तो वो लोग हमको कभी रास्ते में मिलते हैं ना तो पूछते, महाराज बुलाता, बुलाए नहीं होते, पूछ के लिए होते कम से कम। तो अभी जो आपने आकाश मार्ग में पुष्प उड़ाया, ये देवताओं को पूछ लिया, मतलब प्रथम निमंत्रण सभी को दे दिया आपने कि हमारे घर में वास्तु शांति का पूजा होने जा रहा है, आप सभी के सभी आमंत्रित हैं, इसलिए आपके स्वागत में मैं ये पुष्प बिखेर रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद में दिग्बंधन करेंगे हम लोग। 10 दिशाएं हैं, कितनी? 10 दिशाएं। नाम मालूम है आपको? यस और नो? नो, चार तो पक्का मालूम होगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उन चारों के कोने, ठीक है, तो कोने कैसे है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ, हाँ ये सारे कॉर्नर, तो ये हो गई 8 दिशा। एक ऊपर माने आकाश, एक पृथ्वी पाताल, ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं में भगवान विष्णु के 10 रूपों को हम लोग लगा देंगे, जिससे हमारे घर की रक्षा हमेशा होती रहे। तो बाएं हाथ से ढक लेंगे इसको, दाहिने में रखना है, माफ कीजिए, बाएं में रखना है और दाहिने से ढकना है। ओम अपसर्पन्तु दे भूता ये भूता भूमि संस्तुता ये भूता यज्ञकर्तारस्यन्तु शिवाया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वसो दिशा सर्वेषाम् अविरोधेन पूजा कर्म नमश्चक्राय राजाय हुं फट स्वाहा। खोलेंगे जहाँ पर महाराज इशारा कर रहे हैं वहीं पर आप फेंकते जाएंगे। आप पूरब से अंगुली दिखाना शुरू कीजिए। पूरवे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां तु महेश्वरः ऊर्ध्वं धाता भो रक्षे अधो अनन्तस्तथैव च एवं दश दिशो रक्षे शङ्खचक्रगदाधरः नमश्चक्राय राजाय ॐ स्वाहा। हाथ में दे देंगे। अब भगवान भगवती भद्रकाली से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी भूत प्रेत इत्यादि की बाधा है आपकी कृपा से दूर हो जाए। ओम क्रीम 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 उग्र प्रभे विकट दष्टम पर पक्षम मोहय मोहय पच पच मथ मथ दह दह हन हन मारय मारय
ये माम हिंसत मुद्यता योगिनिश्चक्रैतान् वारे वारे छिन्द छिन्द भिन्द भिन्द करालिन गृहन गृहन क्रीम 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 स्फुर स्फुर पुर पुर पुन पुन चुल चुल धर धर धम धम मारे मारे सर्व जगत वसमानय हुं फट स्वाहा। फिर से देंगे अब भगवान शंकर से पाशुपतास्त्र के मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर की हमेशा रक्षा भगवान के त्रिशूल के द्वारा होती रहे। ओम ह्रीम स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर घोर घोर तनुरूप छठ छठ प्रचट प्रचट कह कह बम बम बंद बंद घाताय घाताय हुम फट स्वाहा। बोलो पाशुपतास्त्र भगवान की जय। पाशुपतास्त्र की जय। पशुपति भगवान की जय। अब बाई एड़ी अपनी तीन बार जमीन पर ठोकेंगे और आप तीन बार ताली बजाएंगे। ताड़येत असुरा पिशाचा राक्षसाः भूमिगता भवन्तो नेत्रोदक स्पर्शः। बाएं हाथ में जल लेंगे दोनों जन और दाहिने हाथ से अपने अपने नेत्रों में लगा लेंगे। ओम विश्वतस्य चक्षुरुतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतो विश्वतस्य मातः शम्बाभुभ्यां धमधि संवद दैत्या वा भूमि यन्त देव एकः नेत्रत्रयाय वौषट। हस्तौ प्रक्षालनं ताडित भूमि नमस्कारः। जो जमीन है उन्हें नमस्कार करेंगे भगवती आधारभूता को कि भगवती आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हम लोगों को आपने आधार दिया हुआ है। आधार भूता जगत समेका डालिए गीला कीजिए फिर गोल बनाइए देखिए फट से बनेगा। गीला गीला लेकिन और पानी डालो महाराज। नहीं नहीं महाराज भाई इससे बनाइए उठा लीजिए वो गोल का उससे शुद्ध अरे ना लग जाएगा ढेर लगा उठा कहा ना। ओम पृथिव्यै नमः सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि विहीनगतम्बिकायै नमो नमः सूर्यार्घ्यदानाय। पृथ्वी पर कुछ देवता ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हैं, ठीक है, दोनों में दीजिए महाराज सूर्यार्घ्यदान। जिसमें सूर्य है ये प्रत्यक्ष देवता है, वायु देवता है ये प्रत्यक्ष है, अग्नि देवता जो आपके दीपक में विराजमान है प्रत्यक्ष है, वरुण देव जल में विराजमान है प्रत्यक्ष, आकाश ये प्रत्यक्ष देवता है। ये सब जैसे गणपति जी हैं तो ये प्रत्यक्ष नहीं हमारे सामने उपस्थित नहीं हुए, हमेशा हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन बाकी जो पांच देवताओं के बारे में मैंने बताया आपको दिखाई देते हैं। अग्नि में हाथ डालोगे तो जल जाओगे, मालूम पड़ जाएगा एक देवता है। सूर्य के ज्यादा नजदीक जाओ या ज्यादा धूप में ज्यादा देर तक खड़े रहने का प्रयास करो तो मालूम पड़ जाता है कि प्रत्यक्ष है। तो भगवान सूर्य को हमें अर्घ्य प्रदान करना है। इनसे होता क्या है कि दारिद्रम नो पजायते, हजारों जन्मों की दरिद्रता भगवान सूर्य नारायण की कृपा से एक ही साथ में नष्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवान सूर्य नारायण को हम लोग अर्घ्य प्रदान करेंगे। इसी थाली में आप जो है तीन बार इस तरीके से देंगे, जल उसमें पर्याप्त दे दिया जाए दोने में, आप हाथ लगाए रहेंगे। एही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकर गृहाणार्घ्य दिवाकर। ओम एही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य। भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे प्रार्थना करेंगे।
यन मंडलम वेद वेदोपगीतां जग्योगिनां योगपथानुगम्य तं सर्वदेवां प्रणमामि सूर्यान् पुनातो माता समिरोर्वरेण्यां पुनातो माता समिरोर्वरेण्यं सत सतबार नमन हे दिवाकर भगवान शंकर इनको बार बार नमस्कार करेंगे प्रेम पूर्वक भगवान को नमस्कार करेंगे सूर्यदेव को सूर्यदेव से प्रार्थना करेंगे कि सत्यवार नमन है दिवाकर मेरी अरज सुनो करुणा कर भगवान श्री करुणा कर भगवान शनि यम और यमुना इन तीनों के पिता कौन है सूर्य शनि यम यमुना जनक आप ऐसे भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे भगवान श्री दिवाकर जी को नमस्कार करेंगे नमस्ते
नमस्कार करेंगे कि महाराज आप मेरे इस सुंदर पूजन में आपका आह्वान है। देखिए अभी तक का जितना कार्यक्रम हुआ वो पूजा की तैयारी चल रही थी। क्या चल रही थी? पूजा तैयारी। हाँ, अब पूजा प्रारंभ होने जा रही है कहाँ से? गणपति जी से। पूजा हमेशा गणपति जी की पहली होती है ना, लेकिन उसके पहले भी हमें ये सब करना पड़ता है। ये उस पूजा की तैयारी हो रही थी, तो अब हम लोग भगवान गणपति का पूजन करेंगे। सीधे आप लोग बिना टिकट के कहाँ पहुँचेंगे? दादर सिद्धि विनायक, बिना टिकट के पहुँचे। ठीक है, आँख बंद करेंगे, भगवान के स्वरूप का जो सिद्धि विनायक में आपने दर्शन किया है उस स्वरूप को अपने मन में बसाएं और भगवान का आवाहन करें कि वही सिद्धि विनायक आपके इस स्थान पर विराजमान हो रहे हैं और आपके सारे कार्य सिद्ध हैं, जितने भी कार्य हैं सब सिद्ध हैं। ठीक है, बड़े बड़े गुरु भगवान श्री सिद्धि विनायक का आवाहन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि महाराज आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, आप यहाँ पर आइए, अपने पूजन को स्वीकार कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और भगवान का आवाहन कीजिए। भगवती लक्ष्मी जी का गौरी जी का वाहन कर लेंगे। ओ अम्बे अम्बे गे अम्बाली गे भगवान गणपति के ऊपर, लक्ष्मी जी के ऊपर चार बार जल छोड़ेंगे।
ही सुनाकर जल मिला लेंगे उसमें। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मावर्वारुकमिव वन्दना विद्योर्मुखीयमामृतात् इदं सुगन्धिद्रव्योदकस्नानां समर्पयामि सहयाश्मनीयं जलं समर्पयामि अमिहि सकलोपचारार्थीदं गन्धाक्षतपुष्पाणि गन्धाक्षत अक्षत पुष्पाणी समर्पयामि अभिषेकमारभेत। जल मिला ली मैंने। दूध का पैकेट, एक फ्रेस पैकेट है कोई? नहीं नहीं। एक एक बूंद पंचामृत एकदम धीरे धीरे छोड़ना है, काफी देर तक अभिषेक चलेगा। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः बोलते रहेंगे और भगवान गणपति जी का अभिषेक करते रहेंगे। और ब्राह्मणों के साथ में आप भी जो बोल सकते हैं मंत्र इत्यादि वो भी बोलते रहें भगवान के कीर्तन को। चलिए शुरू कीजिए। जय गणेश पाहि मां, जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश दाकरात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं, मुदाकरात मोदकं सदा विमुक्ति साधकं, फलाधरावतं सकं विलासि लोक रंजनं। नाशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकं, चेतरातिधीकरं नमोदितार्कभास्वरं, नमस्सुरारि निर्जरं नमस्सुरारि निर्जरं नताधिकादुपद्रुरं। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश पाहि मां, ॐ सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं, महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं। जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, समस्त लोक संचरं निरस्त दैत्य कुंजरा, समस्त दैत्य संचरं निरस्त दैत्य कुंजरा, धरे तरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं, धरे तरोदरं वरं वरे भवक्रमक्षरं, कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं, पापकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं, मनस्करं नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरं, नमस्करं नमस्कृता नमस्करोमि भास्वरं। जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, जय गणेश जय गणेश रक्ष मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां, अकिंचनाति मार्जनं चिरन्तनोऽपि भाजनं, अकिंचनाति मार्जनं चिरन्तनोऽपि भाजनं,
हिरण्यावरणं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां ब्रह्मेन्द्रजं दधिमेदो मयावहा
मया जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी पूर्वाम तत मध्या हस्तिनाद प्रमोदिनी सोस्मिताम हिरण्य प्राकारा माद्रा जुरंतिम तृप्ताम तर्पयन्ति चंद्राम प्रभासा यस्सा जुरंतिम श्रियं लोके देव जुष्टामुदारा आदित्य भरणे तपसो जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोथ बिल्वः वेतुमां देव सखा गरतिश्चामणिना सह भासामलं ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यः गन्धद्वारा दुराधरसां नित्यभूष्टां करिष्यणीम् मागोतिं वाचा सत्यमसीमहि प्रथमेना प्रजा भूता मैषं भवकरदमः आपस्रजन्त स्निग्धानि जगलीत वसमे गृहे आद्रां पुष्करणं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी यस्करणिं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं मया वह जात भेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यः सुजीव्रयतो भूत्वा जुहूयादाज मनवः बोलमहालक्ष्मी मैया की स्नान करवा लेंगे इनको एकदम शुद्ध स्नान करवाएंगे और दोने में विराजमान कर लेंगे महाराज जी। एक जन जल डालिए, दूसरे जन स्नान कराइए। आप जल डालें, आप स्नान कराएं। हरि ओम मा शुद्ध बाल सर्व शुद्ध पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे भजामि देवि नर्मदे भजामि देवि नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे 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 गंगा मात की हो जमुना मैया की हो नर्मदा जी मातु की हो सभी को वस्त्र समर्पित कर देंगे। हरि ओम मा युवाशु वाशा परवीतयागा जो श्रीयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवयवुन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रामि वस्त्रार्थे रक्षाशत्रां समर्पयामि वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि अनन्तरं महादेव अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठा कुमार्का सुशोभिता मल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो कामादन्दनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता
ब्रह्मेश्वर परमेश्वर नंदिनी मालत्यादीनि वै प्रभो पुष्पाणि पूजार्थम् पुष्पं पुष्पमाला गणेश भगवान को दुर्वा खांडात् खांडात् प्रवहन्ति परसः परसस्परि देवानो दुर्भे प्रतनो सहस्रेण सते जगबिलपत्र तीनों जगत नमो बिलमिने च कवचिने च नमो भरमिणे च पर्वतिने च नमः ताय च श्रुतसेनाय च नमो धुन्दुभ्याय च हरण्याय च तुलसी पत्राणि गणपतिभ्याय श्रीश्चते लक्ष्मी शरद्यामहोरात्रे पार्श्वेन छत्राणि उपमसिनौ व्याप्तं मायि सन्निखाडं मयिखाड सर्वलोकां मयिखाड नाना परिमल द्रव्याणि पूरा थाली उठा के दे देंगे ओम हिरिव भोगैः परजेति बाहुं जाया हेतिं परिपाधमानः हस्तग्नो विद्वान् वायुनानि पुमान् पुमागुं संपरिपाति विश्वतः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पूर्णवर्धनं सामने आपके रूई पड़ा हुआ है अम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मावृबारुकमिव बन्धनां क्षोणीयमामृतं सुगन्धिद्रव्यां समर्पयामि काम स्पीड में रहे महाराज मंत्र खत्म होने के बाद सामान मत दो मंत्र चले तभी दीजिए धूपं माघ्रापयामि हरिः ॐ माधुरसि धूर्वधूर्वान्तं योऽस्मान् धूर्वतीतं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानाम शिवहिनितमगुं सत्सृतमगुं वप्रीतमगुं जुष्टतमगुं देवहूतमं ॐ वनस्पतिरस्वद्भूतो गन्धाद्यो गन्धोत्तमः आग्रीहशर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां वहिनीनां योजितं मया दीपं रिहाण देवे स त्रैलोक्यं दिविरापः मत्राय प्रतिष्ठित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यदेव्ये नमः इदं धूपामि इदं दीपामि पुनः नैवेद्यं वृक्षालनं पहले ॐ नाभ्यायाशीरन्तरिक्षगं श्रेष्णौ द्योः समवर्तत प्रत्याश्मनीयं जलाश्मनीयं जलामि फल पर हाथ लगाएंगे या फल निर्याय फलाय पुष्पायाश्च पुष्पिणि बृहस्पति प्रसोस्तानो मुञ्चत्वगुं हशः इदं फलां समर्पयाश्मनीयं जलाम पान के पत्ते पर हाथ लगा लेंगे इदम तांबूल पत्राम समर्पयामि तीनों जगह दक्षिणा समर्पित करेंगे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं व्यामुते माम् कस्मै देवाय विखा विधिम् भगवान को उठाएंगे नमस्कार करेंगे सिर से लगाएंगे नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः बलगणपति गजानन महाराज की जय हो।
कर सभी देवताओं से प्रार्थना कर लेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय गंगोदराय शकराय जगदिताय नागाननाय सुत यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो त्रितनयां देवी वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननी गौरी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी नमस्तुभ्यं गणपतये नमः गौर्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः नमस्करोमि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। विशेषज्ञ हो गया है ना, बस आसन के नीचे जल डाले आप लोग, जल मस्तक में लगाए। बोलिए इंद्राय नमः शक्राय नमः इंद्राय नमः शक्राय नमः श्री श्याम सदाशिवाय नमः।